गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस पे आधारित जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी के, उसका अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करें। यह बहुत ही सिंपल तरीका होगा जो आज से पहले आपने पढ़ा तो होगा, बट आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे कि यह टेंस पे अनुवाद कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और टेंस पे जो आधारित वाक्य है उसको बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है। टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बहुत मतलब कितने होते हैं, पांच रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। इनके रूपों का अध्ययन ही काल कहलाता है। क्रिया के किस रूप का उपयोग किस जगह पे किया जाएगा, इसी चीज को हम लोग टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। यहां पे प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो वहाँ पे अगर हम पास्ट कर देते हैं प्रेजेंट की जगह पे तो क्या बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से पास्ट टेंस के भी चार होंगे, फ्यूचर टेंस के भी चार होंगे। क्या जाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से इसके भी चार होंगे, चार चार चार, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 12 टेंसेस का अध्ययन करेंगे हम लोग इसको ट्रांसलेट करने के लिए अंग्रेजी में। तो चलें सबसे पहला शुरू करते हैं हम लोग। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है, वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है अथवा नहीं। देखते हैं, सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया प्लस ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हो, ते हैं इत्यादि लगा रहता है, तथा हिंदी वाक्य के क्रिया से वैसे कार्यों का बोध होता है जो वर्तमान समय में सामान्य रीति या विधि से संपन्न होती हो। तो चलिए देखते हैं, अगर ऐसा पहचान मिलता है तो हम इस पे को समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। परंतु यह सिर्फ इतना ही नहीं होता है, टाइम और टेंसेस में हम लोग देखेंगे कि यह पहचान नहीं होते हुए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, परंतु उसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। ये बेसिक ट्रांसलेशन की क्लासेस है, इसमें हम बेसिक रूप से सीखेंगे कि ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। मतलब एस सब्जेक्ट के लिए आया है, वी वर्ब के लिए आया है और ओ ऑब्जेक्ट के लिए आया है। दूसरा स्ट्रक्चर डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फोर नंबर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फाइव डब्ल्यू एस क्वेश्चन डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सिक्स नंबर डब्ल्यू एस क्वेश्चन डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर्स को अगर हम ध्यान रखें तो इस पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक्य होगा वो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का उपयोग कैसे करें हम लोग। इससे पहले एक ही और जानना जरूरी है कि इसमें साइन को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस दो वाक्यों में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है और बाकी सब वाक्यों में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया गया है। एक चीज़ और जान लीजिए कि स्ट्रक्चर होता क्या है, ये क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, ये वीक इंट्रोगेटिव होता है, ये वीक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, ये स्ट्रांग इंट्रोगेटिव होता है और ये स्ट्रांग इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। इसके बारे में हम लोग सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रांग इंट्रोगेटिव, इस सब के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसका स्ट्रक्चर्स का उपयोग करना सीखेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। चलते हैं अगले पार्ट्स पे।
फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, वी वन या वी फाइव। वी वन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर डू का प्रयोग होता है, इसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं उसी साथ वी वन का प्रयोग भी करेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। डज का प्रयोग, वी फाइव का प्रयोग कहाँ करेंगे, जिसके साथ डज का प्रयोग होता है उसके साथ वी फाइव का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि डू और डज का प्रयोग कब करते हैं, डू और डज में कैसे हम जानेंगे कि कहाँ पे क्या लगाना है। फिलहाल में हम कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, इसके अलावा भी होते हैं, फिलहाल इतना से हम लोग सीख सकते हैं ट्रांसलेशन। चलिए देखिए, डू, डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लुरल नाउन्स जितने होते हैं, जैसे बॉयज, स्कूल्स, इटीसी, स्कूल्स इटीसी के साथ किया जाता है। अर्थात जब कभी प्लुरल नाउन का मतलब होता है दोज नाउन्स विच इंडिकेट्स टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग्स विच इज नोन एज प्लुरल नाउन, जो एक साथ दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराता हो उसे प्लुरल नाउन कहते हैं। तो उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, जैसे अगर राम और श्याम रहेगा या इस मिनट से राम एंड श्याम रहेगा तो वहाँ पे डू लगाइएगा, अगर सिर्फ राम रहेगा तो सिंगुलर हो गया तो डज लगाएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग यूज ऑफ डज पे। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन जट फॉर एग्जाम्पल बॉय, स्कूल, etc. एग्जाम्पल देखते हैं कि इस अब ये स्ट्रक्चर्स है इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, हाउ टू यूज दिस स्ट्रक्चर्स। चलिए देखते हैं, राधिका एक गीत गाती है, यहां पे इसमें सब्जेक्ट क्या है, राधिका, तो सब्जेक्ट की जगह पे लिखे राधिका। यहां पे V1 या V5 से चुनना था हमको, कौन सा चुने, तो यहां पे बात आती है कि राधा सिंगुलर है, क्यों राधिका सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि देखिए इससे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे V5। V5 क्या होता है, तो भर्व में, भर्व के पहले रूप में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वह V5 बनता है। इसकी चर्चा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भर्व का जो रूप पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पे V5 लग गया, राधा सिंग्स और ऑब्जेक्ट क्या है, तो गीत यहाँ पे ए सॉन्ग। दूसरा नंबर वाक्य है, राधिका गीत नहीं गाती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राधिका सब्जेक्ट है और डू डज में से क्या लगेगा, तो राधिका के साथ लगेगा डज, राधिका डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, नॉट यहाँ स्ट्रक्चर में ही था, देखिए V1 यहाँ लगाना है, सिंग का भी मन ही लगेगा यहाँ पे, तो क्या लग गया सिंग ए सॉन्ग। क्या राधिका एक गीत गाती है, तो यहाँ पे क्या है डज, क्यों लगाया डज, देखिए स्ट्रक्चर में क्या करा है, डू या डज में से एक लगाइए तो राधिका के लिए क्या लगेगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राधिका है, तो डज राधिका। उसके बाद क्या लिखना है, V1 लिखना है, तो V1 क्या है, भर्व क्या है, सिंग है, तो सिंग लिख दिए। ऑब्जेक्ट लिखना है तो यहाँ पे सॉन्ग लगा दिए, मतलब कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे और ट्रांसलेशन आसानी से बन जाएगा और वो 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट 4 नंबर, क्या राधिका एक गीत नहीं गाती है, डज, देखिए डज क्यों लगाएं, क्योंकि चौथा नंबर स्ट्रक्चर में डू डज पहले है, डज लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, राधिका लिख दिए। उसके बाद नॉट लिखना है, नॉट यहाँ लगा दिए। उसके बाद V1 लिखना है, V1 के जगह पे सिंग लगा दिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग लगा दिए और साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ से लग रहा है। 5 नंबर देखिए, राधिका एक गीत कब गाती है, तो यहाँ पे देखिए कब, कब क्या है, ये इंट्रोगेटिव यानी WH क्वेश्चंस है, प्रश्न पूछने वाला शब्द है, तो सबसे पहले कह रहा है क्या, यहाँ पे WH क्वेश्चन डालिए, जिससे प्रश्न पूछने का बोध उसको डालिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालें, कब, कब का अंग्रेजी क्या होता है वेन, तो शुरू में क्या लगा है वेन। उसके बाद क्या लिखना है, डू डज में से कोई एक, तो यहाँ पे राधिका के लिए डज लगेगा तो डज लगाए, वेन डज। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राधिका। उसके बाद क्या लिखना है, भर्व, वन, भर्व का पहला रूप, भर्व क्या है सिंग। और उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये सॉन्ग यानी कि गीत। इस प्रकार से बन गया, वेन डज राधिका सिंग ए सॉन्ग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगा दिए। नेक्स्ट है 6 नंबर, राधिका एक गीत क्यों नहीं गाती है, तो यहाँ पे क्यों,
क्यों स्ट्रॉन्ग डबल एस क्वेश्चन है, डबल एस क्वेश्चन जब लगा दिए वाई, क्यों, क्योंकि क्यों का अंग्रेजी जो होता है वो वाई होता है, वाई लगा दिए। यहाँ पे डू डज में से कोई एक लगाना था स्ट्रक्चर में, देखिए डू या डज में से कोई एक लगाना है तो यहाँ पे लगाए डज। राधिका, उसका नॉट लिखना है तो नॉट लिख दिए। उसका वी वन प्लस ऑब्जेक्ट यानी सिंग ए सॉन्ग लगा दिए। इस प्रकार से साइन ऑफ इंटरगेशन लगाएंगे, ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सीखा कि ये जो स्ट्रक्चर्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका टाइम एंड टेंस में हम लोग देखेंगे कि इसका अन्य उपयोग भी होता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।